अबरूल पुष्पा का पावर नहीं, विल पावर। ब्रिंग इट ऑन। वाना वन सही में एक वीर कुल है। लो अर्जुन के पुष्पा 2 ने रिलीज होने से पहले ही इतनी दमदार कमाई कर ली है जितना तो बॉलीवुड की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को बॉक्स ऑफिस पर अब 2 हफ्ते पूरे होने को आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म करती जा रही है शानदार कमाई। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इस हफ्ते रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म PS2 और बॉलीवुड की फिल्म बैड बॉय ने भी शुरुआती 6 दिनों में कर लिया है ताबड़तोड़ कलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी का भाई किसी की जान, पुष्पा 2, PS2 और बैड बॉय के बारे में और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। सबसे पहले अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म PS2 के बारे में, तो दोस्तों पोनियन सेल्वन 2 जिस फिल्म में हमें विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्थी, जयम रवि, त्रिशा कृष्णन इतने लंबे स्टार कास्ट देखने को मिल रही है। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 6 दिन और फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों में दुनिया भर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि PS2 ने शुरुआती 5 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 116 करोड़ का किया था। वही दोस्तों PS2 आज यानी कि अपने 6ठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 11 करोड़ का। इसी के साथ PS2 का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 127 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में लगभग 95 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों PS2 का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 247 करोड़ का। जी हां दोस्तों, फिल्म शुरुआती 6 दिनों में दुनिया भर से लगभग 247 करोड़ की कमाई कर रही है। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट पहले से ही हो चुकी है। वही अब अगर बात करें इसी हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म बैड बॉय के बारे में, राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड बॉय जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 6 दिन हो गए हैं और इस फिल्म ने भी शुरुआती 6 दिनों में एक तरह से काफी अच्छी कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बैड बॉय फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। वहीं 5वें दिन फिल्म का कलेक्शन 1 करोड़ 30 लाख रुपए रहा, तो ये फिल्म आज यानी कि अपने 6ठे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ बैड बॉय फिल्म का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 9 करोड़ 60 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 6 दिनों में लगभग 12 करोड़ का हो रहा है। तो दोस्तों नए हीरो के हिसाब से बैड बॉय फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक तरह से काफी अच्छी कमाई कर ली है। वही अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था फरहाद नोलान सामजी ने और इस फिल्म में मेगा स्टार सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 13 दिन और कल इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को जहां एक तरफ नेगेटिव रिव्यूज मिले थे लेकिन फिर भी ये फिल्म दूसरे हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर टिक गई और अभी भी फिल्म के कलेक्शन एक तरह से डिसेंट आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसी का भाई किसी की जान फिल्म ने 10 दिनों में जहां 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, वहीं 11वें दिन फिल्म का कलेक्शन 3 करोड़ 50 लाख रुपए रहा था, तो 12वें दिन फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों किसी का भाई किसी की जान आज यानी कि अपने 13वें दिन लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ किसी का भाई किसी की जान फिल्म का शुरुआती 13 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 107 करोड़ 51 लाख रुपए का हो रहा है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 129 करोड़ रुपए। बात की जाए फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों किसी का भाई किसी की जान फिल्म का शुरुआती 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
रिटर्न लगभग 181 करोड़ रुपए हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 13 दिन और दुनिया भर से 181 करोड़ की शानदार कमाई ये फिल्म कर चुकी है। लेकिन अब अगर अंत में बात करें इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रोल के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिलेंगे पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और उनके साथ नजर आएगी रश्मिका मंदाना। तो दोस्तों, पिछले दिनों ही पुष्पा 2 का एक धमाकेदार ग्लिम्स रिलीज हुआ था, जिस ग्लिम्स के बाद ही इस फिल्म का बज नेक्स्ट लेवल चले गया और इस फिल्म को देखने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की जनता बड़ी बेताब है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म तो रिलीज होगी अगले साल यानी कि 2024 में, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने अभी से ही इस फिल्म से एक तगड़ी कमाई कर ली और एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे तोड़ना अब आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फिल्म पुष्पा 2 के जो म्यूजिक राइट्स है वो बिके हैं 65 करोड़ में और ये इंडियन हिस्ट्री के अब तक के सबसे महंगे म्यूजिक राइट्स है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों भाषाओं के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने खरीदे हैं 65 करोड़ में। इससे पहले अगर किसी भी फिल्म के म्यूजिक राइट सबसे ज्यादा महंगे बिके थे तो मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ के थे, लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 के म्यूजिक राइट टोटल 65 करोड़ में बिके हैं, जितने में तो बहुत सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 जिसे रिलीज होने में अभी भी बहुत ज्यादा दिन बाकी है, लेकिन अभी से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर चुकी है। अब देखते हैं कि जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस के कितने सारे रिकॉर्ड तोड़